यहाँ पे बन रहे हैं ब्रेड पकौड़ा जैसा आप देख सकते हो। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप इनके पनीर के पीसीस देख रहे हो कितने डाल रहे हैं। अभी मैंने भैया से पूछा, ये 100 ग्राम का पीस है, ठीक है, और ये ब्रेड पकौड़े के अंदर जा रहा है। व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम हैं सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे। एंड वो इसलिए है क्योंकि आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ था, मैंने सोचा स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ कमला नगर मॉर्निंग में। और एक बैड न्यूज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो अभी मैं वॉइस ऑडियो जो रिकॉर्ड हो रही है वो फ़ोन के कैम माइक से ही हो रही है। एंड मेरा ये वाला जो माइक है इसका एक अडेप्टर होता है, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो टाइप सी है, उसको एक छोटी सी वायर होती है उससे कनेक्ट करके ये ऑडियो इस एक्सटर्नल माइक से आती है। एंड वो मैं लाना भूल चुका हूँ, जल्दी जल्दी मैं भूल गया मिलाना। एंड आज का जो व्लॉग होगा वो विदाउट माइक होगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एंड यार मौसम देखो यार तुम लोग, मौसम ज़बरदस्त हो रहा है। ठीक है, मेरी फ्रेंड है एंड कह रही है कि मैं तो इस साइड खड़ी हूँ। बहुत ज्यादा गर्मी, स्कूटी में ना सड़ रही थी, पहले तो धक्का लगा रहे थे गाइस। एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने के लिए सीढ़ियाँ चलना पड़ता है। तुम कहते हो ना कि भाई फ्यूल तुम इतना कैसे खा लेते हो और फिट रह लेते हो, ये वो राज, वो यू वहाँ से नहीं जाना, हमेशा ऑलवेज यूज स्टेयर्स। ओके, गाइज अब हम हैं कमला नगर मेट्रो स्टेशन पे, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो। एंड देखते हैं अब क्या रहता है, कुछ लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, बताते हैं फिर आपको। लेट्स गो। अरे कुत्ता सो रहा है यहाँ पे। तो गाइज अभी हम हैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास, ठीक है। एंड अभी मैं आपको ये बोलने वाला था कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी धूप आ गई। चलो खैर चलते हैं, बताते हैं, आज फूड वॉक है हमारी, घूमते खाते पीते मज़े करते हैं यार। लेकिन मैं बताने वाला था आपको, मौसम बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन फिर से देख रहे हो धूप आ गई। भाई 30 रुपए बोल रहे हैं यार, ये इनके पास जाएंगे हम, ये सही है भाई, उन्होंने 30 रुपए बोल दिए यार। आप 20 में जाओगे भैया, बोला करके ना, कोई बात नहीं, चलो चलो, लड़ाई होने वाली है बात। तो गाइज अभी हम हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं अभी हम कहाँ हैं। अभी हम हैं गोपाल, जैसे आप देख सकते हो बहुत फेमस है ये, आपको पता होगा। और अभी हम यहाँ पे आए हैं कुछ ट्राई करेंगे, जैसे यहाँ पे रखे हुए हैं ये, जैसे आप देख सकते हो। ओके, इस चीज़ को पसंद है ये बताओ मुझे, जब बाहर निकालो ना तो बता देना मुझे, बुला लेना, ठीक है। गाइज देख सकते हो आप, यहाँ पे दो ब्लॉगर्स हैं यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, जैसे ये है और ये यहाँ पे बना रही है। भैया ये क्या बन रहा है, ये कचौड़ियाँ, कचौड़ियाँ ही हैं ये। चलो फिर आपको हम मिलते हैं और बताते हैं। देखो यार मैं आज अपना भूल चुका हूँ,
माइक तो इग्नोर करना वॉइस को, एंड अब खाते पीते हैं, भूख लग रही है मुझे, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा है। यहाँ पे बन रहे हैं ब्रेड पकौड़ा जैसा आप देख सकते हो, एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप इनके पनीर के पीसेस देख रहे हो कितने डाल रहे हैं। अभी मैंने भैया से पूछा ये 100 ग्राम का पीस है ठीक है, और ये ब्रेड पकौड़े के अंदर जा रहा है। अभी कुछ प्लान ऐसा है कि अभी हम जैक एंड चिल से निकल चुके हैं और वहाँ पे हमने एक डेजर्ट ट्राई करा था, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, कहीं भी आगे या पीछे आ चुका होगा आपने पहले देख लिया होगा। बाकी अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, एंड फिर बताते हैं आपको क्या प्लान है। अभी तो कुछ प्लान है नहीं, जो हम काम करने आए थे वो हमारा हो गया है, और चलो अब चलते हैं घर, फिर मैं बताता हूँ उसके बाद हमारा क्या प्लान है। लेट्स गो। तो गाइस अभी हम मेट्रो का कुछ सीन ऐसा है कि अभी फ़िलहाल हम थोड़ा गलत मेट्रो पर चढ़ गए थे, अभी आज़ादपुर के ही मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर है, ये मेट्रो आ चुकी है। अभी कुछ प्लान ऐसा है कि अभी हम मेट्रो जो है ना स्टेशन मिस कर दिया हमने कुछ, तो आज़ाद मेट्रो स्टेशन पे चढ़ गए थे, पता नहीं कहाँ पहुँच गए थे। आज़ाद का मेट्रो स्टेशन है, बहुत दूर था मतलब, तो हम राइट मेट्रो स्टेशन पर बैठे रहे, और यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे लगा था आज गर्मी कम है इसलिए मैंने ब्लॉग सोचा कि यार ब्लॉग बना लेता हूँ, बट बहुत गर्मी है, हालत ख़राब हो गई है, सब देख सकते हो। अभी हम आ चुके हैं क्ले किचन के अंदर ठीक है, एंड ये देख रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी वाइड एंगल में तो थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो जाती है इसमें क्योंकि रात का सीन है। अभी मैं एकदम डायरेक्ट मतलब वहाँ से आने के बाद एकदम मैं घर जाके बहुत टायर्ड हो गया था, मैं सो हो गया, तो देखो आप जैसे देख सकते हो क्ले किचन ये ओखला के अंदर ही पड़ता है, काफ़ी खूबसूरत है इनका कॉन्सेप्ट जो है। हाँ भैया आपका कॉन्सेप्ट क्या है भैया? हमारा सब एक किले का ही है, मतलब हर चीज़ जो है आपकी क्ले की है, किले में सर्व करते हैं। अच्छा ओके। गिलास भी किले का है, बोतल किले का है। ओके। और जो सर्विंग प्लेट है वो भी किले का ही है। अच्छा हर चीज़ क्ले का है तभी क्ले किचन। ओके गॉट इट, नाइस नाइस कॉन्सेप्ट ठीक है, कैप इसका है ऐसा, या हर चीज़ मतलब क्ले का है इनका, से आप देख सकते हो। बाकी और भी चीज़ आएगी हम बता देंगे आपको। बाकी हमने अभी सोचा है कि मुगल अफगानी टिक्का मंगाते हैं क्योंकि यार पेट फुल है, भाई मेरा भाई यहाँ पे, हम आए थे, मैंने कहा ज़रा इनको खाना था कुछ, मैंने कहा चलो ठीक है यहाँ चलते हैं, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, मैं फुल हूँ और भी बहुत चीज़ खा चुका हूँ मैं, तो दिखाई नहीं क्योंकि मैं भूल गया। अभी असल में क्या है ना प्रॉब्लम ये हुई कि मैं अभी यूट्यूब मतलब इससे थोड़ा सा कैमरे से अभी उतना वो नहीं हो पा रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ, खाने के बाद याद आ रहा है कि अरे व्लॉग में भी डालना था। तो अभी हमें अफगानी टिक्का ट्राई करने की सोच रहे हैं, आप जैसे इनकी प्राइस देख सकते हो, प्राइस ठीक है, ज़्यादा हाई भी नहीं है, सही है, मुझे प्राइस ठीक लगे। बाकी आपको हम टेस्ट बताएंगे खाना कैसा है, अभी तो ये है कि अभी एक दो चीज़ें ही मंगाएंगे क्योंकि भाई पेट को फूल है। अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है चलो लेट्स गो। तो गाइस जैसे अभी आप देख सकते हो अभी हम क्ले किचन के अंदर है, भाई क्यूट सा खूबसूरत सा इनका एक छोटा सा आउटलेट है यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड इनका जो अभी हम आए हुए हैं वो क्ले किचन है ठीक है, और आप इनकी स्पेशलिटी देख सकते हो, आप जो भी चीज़ इनकी बनी हुई है यहाँ पे जिसमें भी सर्व करते हैं हर चीज़ क्ले की है, आप देख सकते हो हर चीज़ क्ले की है और इसी में सर्व करते हैं, एंड क्यूट सा है, क्यूट खूबसूरत सा है। बाकी मुझे जो इनका मतलब ओवरऑल सबसे मेरा जो बेस्ट पार्ट लगा इनका यहाँ का वो ये चीज़ है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ साथ आप आके हैंग आउट कर सकते हो आराम से। बाकी ये मेरा भाई बैठा है यहाँ पे, एंड बस यही है, और अभी कुछ प्लान अभी हम खाएंगे, आपको टेस्ट बता देंगे यहाँ का क्या कैसा है, एंड चलो चलते हैं।
चिकन अफगानी टिक्का। तो गाइस अभी हमने मंगाया यहाँ पे चिकन अफगानी टिक्का, आप देख सकते हो। ओके, और ये किस में आया ये देख रहे हो, अब क्ले के बर्तन में आया ये, यार ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ट्राई करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो गाइस अपने टिक्का खा लिया एंड काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था। मैं ज़रूर यहाँ पे आऊँगा, एक फुल डिटेल वीडियो इनकी लूँगा। एंड इन्होंने एक और चीज़ मुझे बताई, ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये अगर आप ऑर्डर करते हो इन पे, तो ये इस तरह अपनी पैकेजिंग सर्व करते हैं, मतलब देते हैं। आप अगर डिलीवरी करते हो तो ये इस तरह पैकेजिंग करते हैं, एंड ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड बाकी सेफ्टी के पर्पज़ पे भी और हर चीज़ से कि इसमें सेफ रहेगा आपका खाना और इट लुक नाइस। ओके, तो आप ये चीज़ भी है प्लस पॉइंट, मैं अपने इसमें ऐड करना चाहूँगा ये चीज़ नाइस। बाकी ये खा चुके हैं अभी, यार पेट जो है थोड़ा सा फुल हो चुका है, बाकी कहीं और देखते हैं अब कहाँ चलना है। बाकी यहाँ की मैं एक फुल रिव्यू वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, उसके लिए आप वेट करना, मुझे वेट करना आप, ठीक है, मैं क्या बोलिए मैं, चलो खैर छोड़ो, ठीक है फिर, चलो अगर हुआ मतलब मेरा प्लान तो मैं बता दूंगा आपको। बाकी अभी का कुछ सीन ऐसा है, अभी कुछ नहीं पता हम कहाँ जाने वाले, चलो लेट्स गो। आमिर जरो तो गाइज अभी कुछ प्लान ऐसा है कि अभी हम जो है कहीं काम से जा रहे हैं, तो मैंने सोचा एंड करते हैं ब्लॉग को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते रहेंगे, चलो चलते हैं, बाय। इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना।